हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में, जहाँ पर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक और एक्साइटिंग एपिसोड डार्क नाइट मेटल का। और इससे पहले के एपिसोड देखने के लिए आप इस चैनल पर गई डार्क नाइट मेटल पर बनाई गई प्लेलिस्ट पर जाए, जहाँ पर आपको इससे पहले के और इसके बाद के वीडियोज भी मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं सुपरमैन को, जो स्पेस से अर्थ को देख रहा था और बाकी लीग मेंबर से कह रहा था कि बैटमैन को ढूंढो, पूरी दुनिया में बैट सिग्नल्स मिल रहे हैं लेकिन बैटमैन का कहीं पता नहीं है। और तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी लीग के सभी लोग बैटमैन को अलग अलग जगह ढूंढ रहे थे, जैसे हाउस ऑफ मिस्ट्री, गोरिल्ला सिटी, बाकी जगहों पर बैटमैन मिल नहीं रहा था। और अमेज़न के रेन फॉरेस्ट में एक से भी ज्यादा बैटमैन वहां पर जस्टिस लीग के मेंबर को परेशान कर रहे थे, लेकिन एक एक करके वो सारे पकड़े जाते हैं। लेकिन एक बैटमैन यानी कि नाइट विंग उन्हें मुसीबत में फंसा देता है स्वैम्प थिंग के साथ। और वही दूसरी तरफ असली बैटमैन को सुपरमैन लेकर आसमान में चला जाता है, जहाँ पर वो पूछता है, ब्रूस आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारे हार्ट बीट मैं पहचान सकता हूँ, वो लगभग लुईस जैसी है, मुझे पता है कि जब केंड्रा ने ये सब कहा तब तुम बहुत डरे हुए थे और तुम्हें भागने के बजाय हमसे मदद मांगनी चाहिए, हम भाइयों की तरह है, तुम मुझसे सब कुछ शेयर कर सकते हो। तो बैटमैन उससे कहता है, तुम समझ नहीं रहे, मैं अकेला ऐसा हूँ जो पार्बटोस को रोक सकता है, मैं अब उसके लिए ह्यूमन डोर में बनने जा रहा हूँ और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और वो बताता है कि उसने वो 5 में से 4 मेटल कैसे छुए थे, पहले कोर्ट ऑफ आउल में इलेक्ट्रम, फिर जोकर के हाथों मरने के बाद डायनेशियम पूल में डायनेजियम, और प्रोमेथियम का इस्तेमाल करके उसने उस मशीन के जरिए अपनी मेमोरी वापस लाई, और एंथ मेटल का इस्तेमाल करके उसने डार्कनेस में झांकने के लिए उस मशीन का इस्तेमाल किया। इस तरह से उसने 4 मेटल्स को छू लिया था और अब सिर्फ एक मेटल बचा था, और वो कौन सा था वो खुद भी नहीं जानता था। और वो कह रहा था, इसके लिए मुझे कहीं जाना होगा और वो जगह यहाँ से बहुत दूर है। लेकिन तभी सुपरमैन को यह पता चलता है कि वो बैटमैन नहीं बल्कि उसके बेस में क्लेफेस था। तभी कैंड्रा सॉन्ड्रस यानी कि हॉक गर्ल इमोटर्स के पास जाती है एंटी मॉनिटर्स एस्ट्रल ब्रेन मांगने के लिए, ताकि वो मैटर और डार्क मैटर को मिक्स करके इस यूनिवर्स के सेंटर को टारगेट बनाकर डार्क मल्टीवर्स को तबाह कर सके रॉक ऑफ इटर्निटी के थ्रू। जिस पर रासल गुल कहता है, अगर मैं सही हूँ तो जो वो डिटेक्टिव कर रहा है उसे वो करने देना चाहिए, वो इस दुनिया को जरूर बचा लेगा। जिस पर कैंड्रा कहती है, अगर उसे ऐसा करना है तो उसे इसके शुरुआती दौर में जाना होगा। और तभी वो चौंक जाती है ये सोचकर कि वो टेस्टिंग प्लेस कौन सा होगा। और यहाँ बैटमैन प्रिंस कुफू के टॉम में वो माइस लेने आया था जो एंथ मेटल से बनी थी, और वो ड्रीम से पूछ रहा था कि मैं क्या ये सही कर रहा हूँ। जिस पर ड्रीम कहता है, मैं ये नहीं बता सकता कि तुम सही कर रहे हो या नहीं, लेकिन अगर नाइटमेयर में तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो तुम मुझे बुला सकते हो जब ब्लैक सन दिखे। और वो इतना कहते ही वहाँ से गायब हो जाता है। और तभी आ जाते हैं सुपरमैन और वंडर वुमन, जो बैटमैन से कहते हैं कि हमें तुम्हारी मदद करने दो और जो उस बैकपैक में है वो दिखाओ। तब वो दिखाता है कि उस बैकपैक में बेबी डार्क साइड था, जिसे दिखाकर वो कहता है कि इसी की ओमेगा बीम से जब मैं हिट हुआ तब पहली बार बारबाडोस ने मुझे नोटिस किया, और इसी के साथ मैं वापस जाकर फिर सब कुछ ठीक कर दूंगा, और यही चांस है मेरे पास ये सब ठीक करने का। और इतना सुनते ही कैंड्रा वंडर वुमन से कहती है, तुम जहाँ पर अभी खड़े हो वो प्रिंस कुफू का टॉम नहीं है, क्योंकि मैंने वो डिकेट्स पहले ही तबाह कर दिया था, इसलिए तुम अब जहाँ पर खड़े हो वो है टॉम ऑफ हाथसेट, इसका मतलब कि तुम चाल में फंस चुके हो। और तभी वंडर वुमन और सुपरमैन दोनों कमजोर होने लगते हैं, और तभी वहाँ पर वो डार्क रिचर्स आते हैं जो गोथम सिटी के नीचे थे, और बैटमैन के शरीर में बहुत सारी सुइयां चुभने के साथ बैटमैन उस जगह से हिल नहीं पाता। और तभी हम देखते हैं कोर्ट ऑफ आउल के कुछ मेंबर्स को, जहाँ पर वो बताते हैं कि उन्होंने बैटमैन को इन्फिट करना कैसे शुरू किया, उन्हें पहले से सब कुछ पता था कि कार्टर हॉल का जर्नल कहाँ पर छुपा हुआ था, उन्होंने उसे वो सब करने दिया जो वो करना चाहते थे। और अब बैटमैन ने 4 मेटल्स छू लिए है सिवाय एक के, और वो 5वां मेटल है बैटमेनियम, जो अभी उसके शरीर में सुइयों के तौर पर घुसा हुआ है। और तभी बैटमैन उस डोरवे में बदलने लगता है, और तभी वो सब लोग जय जयकार करने लगते हैं बारबाडोस की, लेकिन उस पोर्टल से बाहर निकल आते हैं 3 जोकराइज्ड रॉबिन जो कि थे बैटमैन हु लाफ्स के, और वो तीनों ही सभी कोर्ट ऑफ आउल के मेंबर्स को खा लेते हैं। और तब वंडर वुमन और सुपरमैन दोनों पुकारने लगते हैं ब्रूस वेन को, और तब उनके सामने खड़े थे डार्क मल्टीवर्स के सारे बैटमैन। और तभी सुपरमैन और वंडर वुमन बारबाडोस से कहते हैं, बारबाडोस हम तुम्हें हरा देंगे, हमने पहले भी गॉड्स और मॉन्स्टर्स को हराया है। जिस पर बारबाडोस कहता है, तुम ये कर पाए क्योंकि मैंने तुम्हें ये करने दिया, लेकिन अब तुम डार्कनेस में हो और तुम्हारा स्वागत है इस डार्कनेस में। और इसी के साथ वो उन दोनों को कमजोर करके उनकी ताकत छीन लेता है और कहता है कि अब इसमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है।